गरियाबंद जिले के 573 मतदान केंद्रों में 26 अप्रैल को 4 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे, जिसके तहत सभी केंद्रों के लिए गुरुवार को मतदान दल रवाना किया गया है। बता दें कि बिंद्रानवागढ़ विधानसभा के 9 संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान होगा। इसके तहत ही जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले में शहरी क्षेत्र के 52 केंद्रों में मतदान का जिम्मा महिला कर्मी संभालेंगे। इसी तरह 2 दिव्यांग और 10 यूथ कर्मियों को भी केंद्र का जिम्मा देकर समानता लाने का प्रयास किया गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक ने दावा किया है कि मतदान से पहले और दलों के वापसी तक पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। लगातार सर्चिंग कर भयमुक्त वातावरण बनाने का पूरा प्रयास भी किया गया है। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। हमारे बिंद्रानवागढ़ और राजिम विधानसभा 2 क्षेत्र हमारे जिले में पड़ते हैं, तो इसमें हमने 52 महिला बूथ इस बार बनाया है। हमारे जितने शहरी बूथ हैं, हिंगेश्वर है, छुरा है, राजिम है, गरियाबंद है, उसके पूरे 37 के 37 बूथ महिला मतदान कर्मचारी वहां पर रहेंगे। इसके अलावा बिंद्रानवागढ़ में 15 महिला बूथ रहेंगे। दोनों विधानसभा में एक एक दिव्यांग बूथ बनाया गया है जो दिव्यांगों के द्वारा रहेगा, और इसके अलावा 5-5 यूथ बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर यूथ कर्मचारियों को लगाया गया है। तो सर कुल कितने? और इसके अलावा और भी हम आकर्षण के लिए हमने 15 आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं जहां पर विशेष प्रकार से सजावट की जा रही है ताकि लोग आएं और मतदान करें। अभी जो सुरक्षा व्यवस्था को लेके हम लोग ने पहले से ही जो है एरिया डोमिनेशन और आरोपी हमने निकाल दिया है, और साथ ही साथ में जो है हमने जो सुरक्षा के विश्वास दिलाने के लिए फ्लैग मार्च, पेट्रोलिंग ये हमने करवाए हैं। जो अभी तक जो है हमने हिस्ट्री सीटर गुंडा बदमाश होते हैं उनको भी हमने अच्छे तरीके से चेकिंग किया है। इसी वजह से ऐसे मुझे ऐसे पूरा विश्वास है कि जो है मतदान जो होगा वह मुक्त वातावरण में निष्पादन किया जाएगा।